हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है हॉफमैन का डिजिटल स्केल, जिसकी हम कंपैरिजन भी कर लेंगे मैकेनिकल स्केल के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसकी एक्यूरेसी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप बॉक्स पे एक नज़र डाल लीजिए। इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले भी है और बैक लाइट भी है। बॉक्स के पीछे की तरफ भी कुछ स्पेसिफिकेशन इसके दिए गए हैं। इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। इसमें लो बैटरी इंडिकेटर भी है और मेड इन इंडिया, सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ये पूरा ग्लास मटेरियल है, ऊपर ग्लास से बना हुआ है। यस्टरडे यूज सेट टुमारो, ओके। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि इसे कैलिब्रेट करना है तो आपको इस पे खड़ा हो जाना है, फिर बाद में ये 0-0 दिखाएगा, सो इट्स रेडी फॉर वेक। इसमें 2 AAA बैटरी भी मिलती है हमें साथ में। यहाँ पर हॉफमैन का लोगो, इसके पीछे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ओके, हाय। ये इसके सेंसर्स काफ़ी हिल रहे हैं। अब इसके बॉडी की बात करते हैं तो ये पूरा टफन ग्लास से बना हुआ है। ग्लास क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे वीक स्केल में आती है, और ये प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नहीं है। ये देखिए, हर तरफ से थोड़ा सा हिल रहा है, मतलब क्वालिटी मुझे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ जैसी लगी है। चलिए अब इन बैटरी को इंसर्ट कर देते हैं। ओके, और इससे आप मोड चेंज कर सकोगे। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसमें केजी में से एलबी में शिफ्ट कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। नॉर्मली सभी केजी रखते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर और बैटरी लो इंडिकेशन भी दिखा रहा है। चलिए अब इसे देख लेते हैं ये कितना एक्यूरेट है। तो मैंने यहाँ पे एक 100 kg का बैग रखा है, सॉरी 10 kg का। ये देखिए, इसमें प्रॉपर 10 kg दिखा रहा है, मतलब ये एक्यूरेट है एकदम। तो चलिए अब हम इस पर वेट करके देख लेते हैं, 5685। अब मैं इसमें 3 बार वेट करूँगा और इसकी एक्यूरेसी हम चेक करेंगे। ओके, और ये ऑटोमेटिकली बंद चालू होता है, अब ये चालू हो जाएगा 5685। सेकंड टाइम भी उतना ही वेट बताया है। अब हम थर्ड बार भी चेक कर लेंगे, देखते हैं कि उतना ही बताता है या नहीं। ओके, तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है दूसरे वेट स्केल के मुकाबले। ये मेरे पास मैकेनिकल स्केल है, ये पूरा लोहे का बना हुआ है, इसे यहाँ से सेट करना पड़ता है आपको बार बार। इसे 0 पे सेट करके ही आपको वेट करना पड़ेगा हर बार। चलिए इस पे भी मैं वो 10 kg की बैग रख के देख लेता हूँ ये कितना एक्यूरेट है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे 100 ग्राम जितना डिफरेंस दिख रहा है, मतलब एक्यूरेसी डिजिट जितनी हॉफमैन की है उतनी इसकी नहीं है। ये पूरा मैकेनिक मतलब स्प्रिंग पे बेस होता है, इसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो ह्यूमन वेट भी करके देख लेते हैं। तो आपको इसे देखने के लिए झुकना पड़ सकता है, सो इसे ना ले तो ही बेटर है। सो हॉफमैन का ये वेट स्केल काफ़ी अच्छा है, इसमें जो वेट्स की एक्यूरेसी दी गई है वो काफ़ी अच्छी है। सो एक्यूरेसी में इसका कोई जवाब नहीं, ये सबसे आगे है। जैसे कि प्रीमियम ब्रांड है ओमरॉन, उसमें इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। जैसे एक दूसरा वेट स्केल है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाली हुई है, हेल्थ सेंस, उसमें भी इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाते। उसमें आप एक बार वेट कीजिए, दूसरी बार चढ़ोगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर वैसा नहीं है। पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक है। बाकी इसे आप बेझिझक ले सकते हैं, क्योंकि इतनी प्राइस में इतना एक्यूरेट वेट कोई वेट स्केल आपको नहीं देगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपके मन में इस स्केल को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।